तो देखिए गाइस, आप इस तरीके से जो है जिप लाइन का मजा ले सकते हैं जैसे वो लोग ले रहे हैं, और 600 रुपये में आप लोगों के अगर लिए आपको है ये। एडवेंचर करने का शौक है ना, और आप कुछ चाहते हैं कि यार हम कुछ एडवेंचर करें, तो आप जब नैनीताल आते हैं तो गाइस सरिता ताल भी आएं, और यहाँ पर आकर जिप लाइन वगैरह तो का देखिए गाइस, मैं कर लेता हूँ इसके अंदर एंट्री, और काफी गाइस काफी अच्छा लग रहा है और काफी मजा आ रहा है, मतलब कॉर्नर पे नहीं जाना है इसमें। अरे अरे, पलट गए पलट गए पलट गए पलट गए पलट गए। हेलो एवरीवन, एक नए दिन एक नए सफर के साथ आज मैं हूँ गाइस सरिता ताल में, जो नैनीताल से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है सरिता ताल, और काफी अच्छा व्यू पॉइंट आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर जो है आपको एडवेंचर काफी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है, आपको जो है वाटर वॉल और क्या कहते हैं यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, काफी चीजें यहाँ पर आपके लिए एडवेंचर होने वाली है, और काफी अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ का होने वाला है। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो यहाँ पर रुक के जाएं, और यहाँ पर जो है थोड़ा इंजॉय वगैरह करके जाएं, और रेस्टोरेंट में अपने चाय वगैरह यहाँ पर जो है मजे लेते हुए चलें। तो देखिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू, और यहाँ का मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ। तो चलिए आज घूमते हैं मेरे साथ सरिता ताल, और वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो गाइस देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कितना खतरनाक व्यू है। आप देख सकते हैं पहाड़ी का कितना, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजर व्यू है यहाँ का, और काफी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर देखिए आप देख सक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है जिप लाइन है, और उसके बराबर में ही साइकिलिंग है, उसके बराबर में जो है वॉटर वॉल है, जिसमें आप जो है अंदर जाकर उसमें चल सकते हैं, खेल सकते हैं उससे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये झील बनी हुई है छोटी सी, और इसमें आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काफी अच्छा यहाँ का व्यू आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए मैं इनके जो है जो प्राइस वगैरह है यहाँ पर साइकिलिंग के, और उसके वाटर वॉल के, और बोटिंग के, और क्या कहते हैं जिप लाइन के, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, तो गाइज अगर आप नैनीताल आने का प्लान बना रहे हैं, तो आप वुडलैंड वाटरफॉल मतलब नैनीताल से पहले घूम सकते हैं, और आप जो है सरिता ताल में भी घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी झील बनी हुई है, यहाँ पर आपको 3-4 एडवेंचर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, और काफी अच्छा व्यू आप लोगों के लिए होने वाला है यहाँ का। अपनी फैमिली के साथ अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर रुक कर जाएं, जो है 1-2 घंटे यहाँ पर आप अपना टाइम एक्सपेंड करें, जो आपकी और आपको फैमिली को भी काफी अच्छा लगेगा, और यहाँ पर जो जो एडवेंचर है वो यहाँ पर करें। और उनके मैं प्राइस वगैरह बता देता हूँ एडवेंचर के, कौन सा कितने का है। तो ये देख सकते हैं आप गाइज, ये जो सामने है ये है टिकट काउंटर जिप लाइन और साइकिलिंग का, और वाटर वॉल का भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये है जिप लाइन, अगर आपको कुछ एडवेंचर करना है और आपको इस झील के ऊपर से जाना है, वहाँ पे काफ़ी दूर पॉइंट है, और वहाँ से वापस आएंगे, तो आपका जो है 600 रुपये पर पर्सन है। और साइकिलिंग का उधर साइड में है, आपको दिखा देता हूँ मैं साइकिलिंग का व्यू, तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये है साइकिलिंग का। अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, काफ़ी खतरनाक तो रहता है, ये ऐसा लगता है कि जैसे कि आप नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, तो डर भी काफ़ी लगता है। अगर आप साइकिलिंग करने के शौकीन हैं हवा में, तो आप यहां आ सकते हैं सरिता ताल में, यहां पर भी एडवेंचर कर सकते हैं। और इसका भी टिकट गाइस आपका जो है 600 रुपये पर पर्सन है। और अगर मैं वाटर वॉल की, जो ये वाटर वॉल है इसकी बात करूं, तो इसका टिकट जो है 200 रुपये पर पर्सन है। तो अगर आप सरिता ताल में आते हैं, तो यहां पर जो आकर आप जो इस फ्रेम में जो फोटो वगैरह भी आप खिंचवा सकते हैं अपने जो है कपल के साथ में। देखिए गाइज ये है टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप बोटिंग करते हैं ना, तो एक बोट में जो है 4 पर्सन बैठ सकते हैं, और इसका 300 रुपये का चार्ज है। आप चाहे 2 बैठें या 1 बैठें या 4 बैठ जाएं या 3 बैठ जाएं, 300 रुपये चार्ज है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करके भी आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसका जो है वाटर वॉल का, इसका 200 रुपये का चार्ज है पर पर्सन। तो इसमें भैया कितने लोग आ सकते हैं एक साथ में? 6 लोग इसमें वाटर वॉल में चल सकते हैं। तो बाकी जुनैद भाई जो है डर रहे हैं इसमें जाते हुए, तो इसलिए हमने अकेले का ही टिकट लिया है। और तो चलिए अंदर एंट्री कर लेते हैं इसका, और थोड़ा इसका अंदर का मजा भी थोड़ा ले लेते हैं। और 20 मीटर तक ये आगे तक जाती है वॉल जो है। तो देखिए गाइज मैं कर लेता हूँ इसके अंदर एंट्री, और काफी अच्छा लग, अरे गाइज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भैया ने जो है पैक कर दिया है, ये दिखाइए जुनैद भाई दिखाइए, इन्होंने जो है पैक कर दिया भैया ने, अब हम हो चुके हैं पैक, और कोई सेफ्टी वगैरह बेल्ट नहीं दी है। उसको अंदर पे मत जाना, और अच्छा इसको अंदर पे मत जाना, बीच में टॉल लगा।
करना, जितना क्रॉस करोगे उतना आगे आएगा। अच्छा, यहाँ से। अरे गाइस काफी अच्छा लग रहा है और काफी मजा आ रहा है, मतलब कॉर्नर पे नहीं जाना है इसमें। अरे अरे पलट गए 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 पलट गए। काफी काफी डर लग रहा है। अरे थक गया। ओफो बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। पलट गए पलट गए पलट गए। थक गए गाइस अब थक गए वो पलट गए। चलो अपनी डेस्टिनेशन पर चलते हैं। अब नहीं हो रहा भाई, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है इससे, 2 मिनट भी थक गया। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा थक गया गाइस मैं, बहुत ज्यादा। यूनुस भाई बाहर से वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हाँ खींच लो यार, थक गए। बहुत गर्मी लगने लगी, गर्मी लगने लगी बहुत ज्यादा। ओ भाई 10 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट नहीं टिक सकता इसमें आदमी, थक जाता है बहुत ज्यादा। सांस ऊपर नीचे हो रही है इस टाइम तो। गाइस अगर आप आते हैं यहाँ नैनीताल की साइड में तो सरिता ताल जरूर आए और इसका जरूर इंजॉय लें। 6 जने एक साथ बैठ सकते हैं इसमें। अभी तो मैं सिंगल ही था, अगर 6 जने और होते, 5 जने और होते तो कुछ और ज्यादा मजा आता। फिर क्या मजा आता, एक दूसरे ऊपर गिरते धड़ाधड़ धड़ाधड़। 10 मिनट की टाइमिंग है, 200 रुपये में, 200 रुपये बढ़ते हैं आपके, बहुत बढ़िया। और आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं देखिए गाइस आप इस तरीके से जो है जिप लाइन का मजा ले सकते हैं जैसे वो लोग ले रहे हैं, और 600 रुपये में आप लोगों के लिए है ये। और आप 600 रुपये में आप इधर से इधर जाएंगे, ऐसे ही साइकिलिंग का है, जैसे उधर से जिप लाइन का है ऐसे ही साइकिलिंग का है, आना जाना दोनों तरफ से 600 रुपये है। कि यार हम कुछ एडवेंचर करें तो आप जब नैनीताल आते हैं तो गाइस सरिता ताल भी आए और यहाँ पर आकर जिप लाइन वगैरह का और साइकिलिंग का और इस वाली वोल्गा वाटरफॉल का जिसमें मैं थक गया करके मजा ले सकते हैं। ये देखिए काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पे की है और काफ़ी बहुत ही सारी एक्टिविटी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और काफ़ी अच्छा लगा। जुनैद भाई तो डर गए थे उस एक्टिविटी से, वाटर बॉल वाली से। मैं भी थक चुका हूँ, सांस फेरी उल्टी सीधी हो रही है क्योंकि थकान हो चुकी है उसमें। और 10 मिनट तो गाइस बहुत है, आप 5 मिनट उसमें नहीं रह सकते क्योंकि थक जाएंगे। और आप अगर 2 या 3 जने हैं या 5 या 6 जने हैं तो और ज़्यादा आप लोगों का इन्जॉय यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि मैं सिंगल ही था तो इतना मज़ा, मतलब अकेला जितना भी मैं कर सका था किया मैंने, लेकिन फ्रेंड के साथ चलने में और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जुनैद भाई आ रहे हैं, काफ़ी पीछे रह चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप नैनीताल का टूर बना रहे हैं तो सरिता ताल जरूर रुक के जाएं, अपना 1 घंटा यहाँ पर एक्सपेंड करें। तो चलिए बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। तो फाइनली गाइज मैंने जो है आप लोगों को सरिता ताल का टूर जो है करा दिया है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखिए जिप लाइन का कैसे मज़ा ले रहे हैं लोग, और मात्र 600 रुपये का टिकट है इसका। आप यहाँ पर अगर आते हैं नैनीताल तो सरिता ताल में जो है एडवेंचर कर सकते हैं, जिप लाइन और साइकिलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इस वाटर बॉल का भी मजा ले सकते हैं, और आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। तो काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा
व्यू है यहाँ का चारों तरफ का, और बहुत ही खूबसूरत, मतलब इस टाइम मौसम हो रहा है, ठंड का मौसम, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो मैंने जैकेट डाल रखी है, आप देख रहे होंगे काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो मुझे यहाँ आकर तो काफ़ी अच्छा लगा सरिता ताल में। अगर आप नैनीताल आते हैं तो सरिता ताल जरूर रुके जाएँ, एक घंटा आप यहाँ पर फैमिली के साथ एक्सपेंड करें, काफ़ी अच्छा व्यू आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा।